ग्राम सभा फूलपुर के गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान मंटू यादव अपने कार्यकाल में पंचायत भवन खेल का मैदान प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प गांव में काफी समस्या बनी हुई थी। रोड बनाली को लेकर लोगों में काफी विवाद होता था। प्रधान ने उन विवादों से लोगों को मुक्त कराया, जहां आवश्यकता थी रोड नाली वहां पर किया करके बाउंड्री वॉल कराए और खेल मैदान आज भी चालू है। यहाँ जो है हाट मार्केट लगा हुआ है, हाट मार्केट बनवाए। हमेशा जो है लोगों के प्रति इनकी सहानुभूति और प्रेम रहा करता है। गांव नाल जो रास्ता है, खुश है। हाँ, उनके काम से खुश है हम लोग। 12 बजे रात में अगर याद करते हैं तो 12 बजे रात में प्रधान जी का फोन हम रिसीव करते हैं। प्रधान जी आपके सुख दुख में हमेशा शरीक, हमेशा साथ में रहते हैं। नमस्कार, हमारे साथ जो सकते हैं आप देख सकते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस ग्राम सभा के प्रधान है। आइए उनके इनसे हम कुछ विकास के मुद्दे पे हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंटू यादव, ग्राम फूलपुर पोस्ट काठतरा, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। गांव में देखा जाए काफी समस्या रह जाती है और रोड और नालियों के लेके, आपकी ग्राम सभा की क्या स्थिति है? हमारे गांव की स्थिति लगभग 70% ठीक है, 30% और रह गया है, जो धीमे धीमे पैसा आएगा तो वो भी कार्य पूरा करा लिया जाएगा। गांव में देखा जाए कि अमृत सरोवर और खेल के मैदान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, आपके ग्राम सभा में क्या क्या? हमारे ग्राम सभा में लगभग सब मिला हुआ है, एक अवशेष रह गया है अमृत सरोवर, वो भी नापी के कारण रुका हुआ है और आचार संहिता इस समय चल रही है। जब फुर्सत मिलेगा अधिकारियों को तो वो नापी करा देंगे, उसके बाद तत्पश्चात काम शुरू करा दिया जाएगा। आगे आपका लक्ष्य क्या है? गांव का विकास और हर एक गरीब को उचित सुविधा और उसका लाभ दिलाना, यही हमारा वो है। आप राजनीति कब से आए हुए हैं? 2007 से। क्या सोच कर आए आप? क्या समाज की सेवा करना है, यही हम 2007 में हमारी एज करीब 16-17 साल रही होगी, इंटर के बाद हम राजनीति में आ गए। आगे आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है आगे राजनीति में बढ़ना।